In case if you're joining a new company, so from the present company where you are working, you need to give a resignation letter. In this video, I will show you what is the best and appropriate way by which you can prepare your resignation letter. दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। गाइज, आई एम अभिषेक एंड आई हैव बीन डूइंग वीजा कंसल्टिंग डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिंस 2006, सो आई हैव ब्रॉट अ डिकेड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जस्ट फॉर यू गाइज। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस प्रकार से आप अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो हो सकता है आप अभी एक कंपनी में काम कर रहे हो और आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, which could be the best way of giving a resignation letter and what could be the appropriate words that you can be using. So let's start the video. Video अच्छा लगे तो likes और subscribe जरूर कर देना. So guys, let's start. जो first element हम mention करते हैं वो करते हैं, यहाँ पे मैं mention करूँगा अभिषेक शर्मा 12 SG Enclave New Delhi 110021. सबसे पहले whenever you are making a resignation letter, you need to be providing your name. Along with your name, you need to be giving your address, your name and address. और बिल्कुल उसके name and address के नीचे आपका बड़ा important आएगा, जिस भी date को आप वो letter बना रहे हैं, इस letter की जो date, क्योंकि ये letter बना है मेरा 29th March 2020 को, 2020 को ये letter बना है, तो 29th March 2020. So date डालना भूलना मत, this is very very important. उसके बाद जिसको भी ये लेटर आप एड्रेस कर रहे हैं, राइट द नेम ऑफ द रिसिप्टेंट एंड डेजिग्नेशन एंड एड्रेस. तो ये वाला लेटर हम बना रहे हैं मिस्टर राधे श्याम जी के लिए, हु कुड बी द एचआर मैनेजर ऑफ अ कंपनी और ही कैन बी अ डायरेक्टर. तो बहुत ज़रूरी है आप नाम के साथ उनका नेम एंड डेजिग्नेशन भी लिखें, एंड अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू बी राइटिंग द नेम ऑफ द कंपनी एंड वेयर द कंपनी इज़ लोकेटेड. सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने भी लिख दिया है ये सारी दोनों की चीज़ें. सो आई हैव रिटन मिस्टर राधे श्याम हिज डेजिग्नेशन एचआर मैनेजर एबीसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली. उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट. सो व्हाट इज़ द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट होता है राइट द सब्जेक्ट विच स्टेट्स द पर्पस ऑफ अ लेटर. तो ये लेटर है स्टेटिंग फॉर द रेजिग्नेशन, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन करा है रेजिग्नेशन लेटर फॉर ए बी सी एम्प्लॉय आई डी दिस. सो यहाँ पर हम जिसका भी रेजिग्नेशन लेटर है उनका नाम और उनका एम्प्लॉय आई डी या फिर जो भी वो रैंक होल्ड कर रहे हैं वो मैंशन करेंगे. सो वी वुड बी स्टार्टिंग अप द लेटर, डियर सर मैम. तो ये इट्स हाउ वी स्टार्ट अप द लेटर. माई सेल्फ अभिषेक शर्मा, तो जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ अपना नाम यूज़ करा है यहाँ पर, माई सेल्फ अभिषेक शर्मा, एम्प्लॉय आई डी एस 123456, वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, वुड लाइक टू फॉर्मली नोटिफाई यू दैट आई वुड बी रिजाइनिंग फ्रॉम माई पोजिशन एंड 30th April वुड बी माई लास्ट वर्किंग डे एज पर द नोटिस पीरियड, एज पर द नोटिफिकेशन पीरियड. क्योंकि जब आप कहीं पर भी किसी भी कंपनी आप ज्वाइन करते हैं, देन दे गिव यू दैट द नोटिस पीरियड इज दैट यू नीड टू बी नोटिफाइंग द कंपनी एटलीस्ट 20 days, 30 days प्रायर यू लीव दैट कंपनी. I have taken this decision to explore better career opportunities and roles for profession for professional growth. ये हमने लिख दिया इसके अंदर ये. अच्छा, उसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पर, I appreciate all the opportunities I have been given at ABC Projects Limited. अब now you need to be showing that you are very humble. You need to be showing that you have had a great time while working with this company. So that's the reason you are present, you're writing this, that I appreciate all the opportunities that I have been given at ABC Projects Private Limited. Your professional guidance during the work period. So आप जिसको भी अपने बॉस को या एच आर मैनेजर को एड्रेस करें, सो ये उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, प्लीज एक्नॉलेज दिस लेटर ऑफ रेजिग्नेशन एंड रिलीव मी by 30th April 2020. क्योंकि जो नोटिस पीरियड के अंदर जनरली दे हैव मिनिमम 30 days एज अ नोटिस. आई वुड डू माई बेस्ट टू इंश्योर अ स्मार्ट ट्रांजिशन ऑफ करेंट एक्टिविटीज
दैट आई एम परफॉर्मिंग की दैट आई विल बी रिलीविंग जो भी कोई और मेरी ड्यूटीज ज्वाइन करने आएगा तो आई विल बी द ट्रांजिशन पीरियड विल बी वेरी स्मूथ सो दैट कोई प्रॉब्लम ना आए. फॉर फर्दर इंक्वायरीज आप अपना नंबर भी मेंशन कर सकते हैं और मैं थैंकिंग यू योर्स ग्रेटफुली अभिषेक शर्मा या फिर आप अपना नाम लिखेंगे एंड नीचे आपका सिग्नेचर्स लिखेंगे. सो गाइज ये था दैट हाउ यू नीड टू बी मेकिंग योर रेजिग्नेशन लेटर. एक ज़रूरी बात बता देता हूँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो. दूसरी चीज़ ये कि जो लेटर बना हुआ है उसमें जो मैंने रेड में लिखा हुआ है दैट इज़ फॉर योर हेल्प. ओके, तो वो जो आप लेटर बनाएंगे वो आपको लिखना नहीं है बट वो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए. ओके गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और जय भारत.